वो उन्होंने आपको चौकीदार कहे, उन्होंने लेकिन वो अपने आप को चौकीदार। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। तेजस्वी यादव, जीतन मांझी और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने प्रेस वार्ता कर दी है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं किस तरीके से सभी सीटों को बांट दिया गया है कि करके। हालांकि कांग्रेस की कुछ सीटें हैं जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह खुद ही उम्मीदवार अनाउंस कर देंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया है प्रेस वार्ता के समय, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर निकले उसके बाद खास बातचीत करते हुए पत्रकारों से उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से मोदी सरकार को लतार लगाई और ये कहा है कि जनता थानेदार है। सुनिएगा क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव और लाइव स्ट्रीम के साथ आप बने रहे। इतना ही कहना चाहेंगे, मोदी पे नहीं आइए, मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे अगर चर्चा होगी तो मोदी पे कौन सा मुद्दा है? किसान का है, नौजवानों का है, जो घोषणाएं जो उन्होंने की थी। अगर बिहार की बात करें, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की, बोली लगाई थी, क्या हुआ? मेरे ख्याल से डबल इज्जत की अपमान किया है। क्या अपमान किया है? अपमान किया है क्या? तेजस्वी जी बोलिए ना, कस के बोलिए। इतना ही संदेश है, चलेगा इतना ही संदेश है। वो उन्होंने आपको चौकीदार कहे, उन्होंने लेकिन वो अपने आप को चौकीदार कहे, उन्होंने एक वो अपने आप को चौकीदार कहे। कर लो यार माइक, आपको चेहरा तो आने दो। लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता थानेदार, चौकीदारी ऐसी हुई है कि नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो या मेहुल चौकसी, सब लोग जो है जनता का पैसा लेकर के फरार हो चुके हैं, तो चौकीदार कहाँ है?